नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय शर्मा ऑस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट आज फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रैम्प्स के ऊपर कि क्रैम्प्स क्या होते हैं और हमें क्रैम्प्स क्यों आते हैं और हम क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस इस वीडियो के लास्ट में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने काफ मसल में आने वाले क्रैम्प्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्रैम्प्स हमें आते क्यों हैं। दोस्तों, क्रैम्प्स को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि नस पे नस चढ़ना, रग पे रग चढ़ना या फिर बाटे आना। तो दोस्तों, क्रैम्प एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन है मसल का, जिसमें हमें अपनी पिंडलियों के अंदर बहुत ही जोर का दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों, कई बार हम रात को सो रहे होते हैं तो अचानक हमारी पिंडलियों के अंदर, हमारे काफ मसल के अंदर बहुत ज़ोर से दर्द होना शुरू हो जाता है और हमारी पिंडलियों के अंदर एक ट्विस्ट जैसी सेंसेशन हमें महसूस होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है और हमें एकदम से नींद से उठा देती है और हमें उसकी वजह से बैठना पड़ता है और धीरे धीरे अपने पैरों की जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो क्रैम्प रिलैक्स हो जाता है, वो पेन हमारा रिलैक्स हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा काफ क्रैम्प होता है, इसको हम पिंडलियों का क्रैम्प कहते हैं। तो दोस्तों, क्रैम्प एक बहुत ही पेनफुल सेंसेशन है जो हमें हमारी पिंडलियों के अंदर फील होती है। तो दोस्तों, क्रैम्प के बहुत सारे रीजन हैं, इनमें से पहला रीजन है डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों, पानी हमारी बॉडी का एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है, हमारी बॉडी के अंदर पानी की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, जब हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है तो इसकी वजह से हमें काफ मसल्स के अंदर क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। दूसरा रीजन है हमारे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट में हमारे बॉडी के अंदर जब सोडियम और पोटेशियम की कमी होती है तो उसकी वजह से भी हमें काफ के अंदर क्रैम्प आना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी चीज होती है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड मसल क्रैम्प, यानी जब हाई इंपैक्ट एक्सरसाइजेज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे मसल्स का ओवर यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ही हाई लोडिंग मसल्स पे बहुत ही ज़्यादा लोड डालने वाली, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस डालने वाली एक्सरसाइज हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर सोरनेस आ जाती है, हमारी मसल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो की वजह से हमारे काफ मसल्स के अंदर क्रैम्प आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होना। तो दोस्तों, जब हम जिमिंग करते हैं, जिम के अंदर बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, डेड लिफ्ट करते हैं, वेट के साथ स्क्वैट करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की वजह से एनर्जी की डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से भी हमारे काफ के अंदर हमें क्रैम्प महसूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये क्रैम्प्स हमें मोस्टली रात को महसूस होते हैं, जब हम सोते हैं तो इंस्टेंटली हमारे एकदम से सडनली हमारे काफ के अंदर एक सेंसेशन आती है कि जैसे हमारा काफ मसल एकदम से ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है और हमें बहुत ही जोर का पेन हमें काफ मसल्स के अंदर फील होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, काफ मसल्स के अंदर आने वाले क्रैम्प्स के लिए हम बहुत ही यूजफुल एक्सरसाइजेस आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने ये कुछ डेफिशिएंसी बताई है, इनको लेके भी आपको बहुत ही एक्टिव रहना है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, लगभग 10 से 12 ग्लास का टारगेट आप पानी पीने का जरूर बनाइए। आपके अंदर कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है और आप स्वस्थ हैं तो कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी आप डेली जरूर पिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। दूसरी चीज, अगर जो आपके अंदर सोडियम एंड पोटेशियम की कमी की वजह से क्रैम्प आ रहे हैं तो आप सोडियम एंड पोटेशियम प्रॉपर क्वांटिटी में लीजिए। पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप राइप्ड बनाना ले सकते हैं, यानी जो पके हुए केले हम खाते हैं, जो पके हुए केले आते हैं जिनके ऊपर ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं, तो वो केले, उस केले के अंदर पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है तो पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए आप पके हुए केले जरूर खाएं। तीसरी चीज आती है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड। तो दोस्तों, आप स्ट्रेंथ की बजाय
आप एंड्यूरेंस पे काम करें, यानी आप हाई वेट के साथ यानी हैवी वेट के साथ कम रिपीटेशन करके स्ट्रेंथनिंग की तरफ फोकस ना करके आप एंड्यूरेंस की तरफ काम करें, यानी लो वेट के साथ ज़्यादा रिपीटेशन करने की तरफ आप फोकस करेंगे तो आपको आने वाले क्रैम्प आपको नहीं आएंगे, आप क्रैम्प से बचे रहेंगे। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट डिफिशियंसी। तो जब आप जिम करें तो जिम करने से लगभग 2 या 3 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आप भरपूर क्वांटिटी में ले, ऐसा खाना जरूर खाएं आप जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हाई क्वांटिटी के अंदर हो। तो उसके बाद जब आप जिम करेंगे तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं होगी, आपके अंदर एनर्जी की कमी नहीं होगी और आपको आपके मसल्स के अंदर सोरनेस नहीं होगी, आपके मसल्स के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट नहीं होंगे, आपके मसल्स को वर्कआउट के टाइम प्रॉपर एनर्जी मिलती रहेगी तो आपको मसल क्रैम्प्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स थे कि आप इन चीज़ों को भी अगर जो अपनी बॉडी के अंदर भरपूर क्वांटिटी में रखते हैं तो आपको मसल क्रैम्प्स आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताने जा रहे हैं कि आप ये एक्सरसाइज रूटीनली निभा के करेंगे आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं, तो आप इन एक्सरसाइजेस को रूटीनली निभा के करेंगे तो आपको मसल क्रैम्प नहीं आएंगे, आपके मसल्स क्रैम्प बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए और समझते हैं कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस मसल क्रैम्प के लिए करनी है, बेसिकली हमें काफ मसल में आने वाले क्रैम्प्स के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो दोस्तों क्रैम्प को अवॉइड करने के लिए, क्रैम्प को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी काफ मसल्स की लेंथनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम काफ मसल्स की लेंथनिंग को मेंटेन रखेंगे, हम काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे तो हमें क्रैम्प नहीं आएंगे, हमारा होने वाला क्रैम्प का दर्द ठीक रहेगा। इसके लिए आपको एक टावल लेना है और अपने पैरों के नीचे टावल लगा लेना है और उसके बाद टावल के साथ अपने पैरों को आपको अंदर की तरफ स्ट्रेच करना है। आप अपने पंजों को पूरा पीछे की तरफ खींचेंगे और पंजों को पूरा पीछे खींच के 15 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 15 सेकंड होल्ड करके लूज छोड़ देंगे। आप दोनों पैरों की इकट्ठे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या फिर 1 by 1 करके, यानी एक एक पैर की आप अलग अलग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। पहले एक पैर को पूरा खींच के 15 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, 15 सेकंड होल्ड करके और आप रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों आपको इतना स्ट्रेच करना है, इतना खींचना है कि आपको अपने काफ मसल्स के अंदर स्ट्रेचिंग फील हो, आपको काफ मसल के अंदर स्ट्रेचिंग पेन फील हो। तो आपको पूरा स्ट्रेच करके 15 सेकंड होल्ड करके रखना है, 15 सेकंड होल्ड करके और आप ढीला छोड़ देंगे। कम से कम 8 से 10 रिपीटेशन आपको इस पैर के साथ करने हैं और 8 से 10 रिपीटेशन आपको दूसरे पैर के साथ करने हैं। पूरा स्ट्रेच करेंगे, आपको काफ के अंदर आपको पूरा स्ट्रेच फील होना चाहिए, स्ट्रेचिंग पेन फील होना चाहिए। 15 सेकंड होल्ड करके रखेंगे और ढीला छोड़ देंगे। तो दोस्तों आप हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस करते हैं, हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या आप जिमिंग करते हैं तो उससे पहले आप अपने काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग जरूर करें। आप अपने काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे पहले तो आपको क्रैम्प्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। 15 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर से वापस छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये काफ मसल को स्ट्रेच करने के लिए पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में आप एक दीवार के पास खड़े हो जाएंगे और एक पैर को आगे निकाल लेंगे और दूसरे पैर को पीछे ले आएंगे। दोस्तों इस एक्सरसाइज में आपको अपनी हील को रेज नहीं करना है, दोनों हील्स आपकी ज़मीन पे लगी रहेंगी। इसमें आपको करना क्या है, आपको अपने अगले घुटने को पूरा मोड़ना है और आपको दोनों हाथ अपनी दीवार पे लगा के और घुटने को पूरा बैंड करते हुए और दीवार पे पूरा जोर लगाना है, दोनों हाथों से दीवार पे जोर लगाना है। तो दोस्तों इससे आपका जो पीछे वाला पैर है उसका काफ मसल है जो वो स्ट्रेच होगा। तो दोस्तों पिछले पैर की आपको एडी नहीं उठानी है, इस स्ट्रेच को आप 15 सेकंड होल्ड करके रखेंगे,
काफ के अंदर आपको पूरा स्ट्रेचिंग पेन फील होना चाहिए 15 सेकंड होल्ड करके और 5 सेकंड आराम देंगे। उसके बाद आप आगे वाला पैर पीछे ले आएंगे और पीछे वाला पैर आगे ले आएंगे। उसके बाद सेम आप दीवार पे धक्का लगाएंगे और पीछे वाले पैर में आपको स्ट्रेच का पेन फील महसूस होना चाहिए, आपके काफ मसल के अंदर आपको स्ट्रेचिंग पेन महसूस होना चाहिए। तो इस पोजीशन को आप 15 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। इस स्ट्रेचिंग के भी आप 8 से 10 रिपीटेशन करेंगे, 8 से 10 रिपीटेशन राइट लेग के साथ और 8 से 10 रिपीटेशन लेफ्ट लेग के साथ। इसके साथ साथ आप कंट्रास्ट बाथ का यूज़ करेंगे। आपको एक बाल्टी में गर्म पानी लेना है, एक बाल्टी में आपको ठंडा पानी लेना है। गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए जिसको आप सहन कर सके, ठंडा पानी इतना हो कि आप या तो ताज़ा ठंडा पानी हो या फिर आप उसमें बर्फ़ मिला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 3 मिनट आपको अपने पैरों को पिंडलियों से ऊपर तक आपको अपने पैरों को गर्म पानी में मर्ज करना है। 3 मिनट गर्म पानी में मर्ज करने के बाद आपको 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में मर्ज करना है। उसके बाद फिर से 3 मिनट गर्म पानी में मर्ज करना है, फिर से 1 मिनट ठंडे पानी में मर्ज करना है, फिर से 3 मिनट पानी में मर्ज करके और आप अपने पैरों को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों 3 मिनट आपको गर्म पानी में पैरों को मर्ज करना है, 1 मिनट आपको ठंडे पानी में मर्ज करना है। 3 बार आपको गर्म पानी में मर्ज करना है और 2 बार आपको ठंडे पानी में मर्ज करना है। तो दोस्तों काफ क्रैम्प के लिए ये एक बहुत ही यूजफुल होम रेमेडी है। तो दोस्तों कंट्रास्ट बाथ भी आप अपने काफ मसल के क्रैम्प के लिए यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज़ थी। इन होम रेमेडीज़ को आप प्रॉपर निभा के करते रहेंगे तो आपको होने वाला मसल क्रैम्प, आपको काफ क्रैम्प बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।